एक ऐसा गुरु जिसके पास 93 रोल्स रॉयस थे और 365 रोल्स रॉयस का तो सपना था। एक ऐसा गुरु जिसके थॉट्स और आचार्यों से बिल्कुल अलग थे, जिसे मॉडर्न गुरु कहा जाता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओशो के बारे में। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को कुचवाड़ा नाम के छोटे से गांव में हुआ, जो मध्य प्रदेश में है। इनके पिताजी एक छोटे से कपड़ा व्यापारी थे और इनका 18 साल तक भरण पोषण नाना नानी के यहाँ हुआ था। एक प्रवचन में उन्होंने बताया कि मैं आज जैसा भी हूँ, मेरे नाना नानी के यहाँ मैं 18 साल तक पूरी स्वतंत्रता से रहा और इसी वजह से मैं ऐसा बना हूँ। ओशो का वास्तविक नाम चंद्रमोहन जैन था, जिन्हें रजनीश भी बुलाते थे। बचपन से ही वो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थे। उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उनकी डिफरेंट थॉट्स से लोग और टीचर्स परेशान रहते थे, जिसकी वजह से कई बार उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। उनके पास कन्विंसिंग पावर इतनी थी कि दूसरे विलेज के प्रिंसिपल को कन्विंस करके उनके स्कूल में एडमिशन ले लिया और यहीं से रजनीश की स्कूलिंग खत्म हुई। इसके बाद बीए करने के लिए हितकारिणी कॉलेज गए, जहां उन्हें अजीब क्वेश्चंस और थॉट से परेशान होकर सस्पेंड कर दिया गया और किसी तरह बीए की पढ़ाई पूरी की। उनके थॉट्स को, उनके विचारों को सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती थी। 18 साल की उम्र तक ओशो ने 1000 से भी ऊपर बुक्स पढ़ ली थी और ब्रीथिंग कंट्रोल, योगिक एक्सरसाइजेस में माहिर थे। अपने एक इंटरव्यू में वो बताते हैं कि उन्हें सबसे ज्यादा लगाव अपने एक पीपल के पेड़ से था, ऐसा लगाव कि कभी किसी इंसान से भी वैसा लगाव नहीं हुआ था। रजनीश का कहना था कि देयर इज नो गॉड, इंसानों ने गॉड को बनाया है। देयर इज नो गॉड, सो हाउ कैन आई कंसीडर मायसेल्फ ए गॉड? God is the greatest lie invented by man. उन्होंने सारे धार्मिक किताबें पढ़ ली थी और वो किसी भी रिलीजन में नहीं मानते थे और यही चीज वो लोगों को सिखाते थे। उनका मानना था कि आप कुछ भी करो, बस आप खुश रहो। वो गांधी जी को बहुत टारगेट करते थे। उनका कहना था कि गांधी जी हिंसावादी हैं और गरीबी को प्रमोट करते हैं, और रजनीश का कहना था कि आप गरीब रहो ही मत, कुछ भी करो, कैसे भी करो, खुश रहो, जो चाहिए वो अचीव करो, कोई भी रास्ता अपनाना पड़े उसके लिए। रूल्स, रेगुलेशंस, गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी मानते नहीं थे। जबलपुर में डीएन कॉलेज से एमए कंप्लीट करने के बाद 1957 में उन्होंने टीचिंग में जॉब ले लिया, जहां वो फिलॉसफी पढ़ाने लगे। लेकिन उनकी टीचिंग्स बिल्कुल अलग थी। वो अपने थॉट्स अपने स्टूडेंट को बताते थे, जिसे काफी लोग ऑफेंड होते थे, और वाइस चांसलर की कई वार्निंग्स के बाद उन्हें रिजाइन करना पड़ा। 1968 में टीचिंग्स छोड़ के वो अपने डिसाइपल्स बनाने लगे। 1970 तक उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए थे। उस टाइम लक्ष्मी कुरवा, जिन्हें माँ योगा लक्ष्मी के नाम से जाना जाता था, उनके पर्सनल सेक्रेटरी बनी। रजनीश का प्रचलन धीरे धीरे बढ़ने लगा और सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों से भी लोग उनसे मिलने आने लगे। कई सेलिब्रिटी, नेता और कई बड़े बड़े लोग उनसे जुड़ने लगे। इतने लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए ओशो ने कोरेगांव पार्क में जमीन खरीदी और अपना आश्रम बनाया। ओशो का नाम जब सामने आता है तो उनके साथ एक नाम बहुत जुड़ता है, माँ आनंद शिला। 16 साल की उम्र में शीला पहले रजनीश से मिलने मुंबई आई थी और वो उनसे बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस हुई। 18 साल की उम्र में शीला ने अमेरिका के मार्क सिल्वरमैन से शादी की और फिर इंडिया आकर रजनीश की डिसाइपल बन गई। रजनीश के आश्रम का एक नियम था, जो भी उनसे जुड़ता था उसे एक नव सन्यासी लॉकेट पहनना पड़ता था, जिसमें रजनीश की फोटो होती थी, और अपना नाम बदलना पड़ता था। और यहीं से शीला माँ आनंद शीला के नाम से जानी जाने लगी, और यही माँ आनंद शीला आगे जाकर उनके पर्सनल सेक्रेटरी और ओशो की सबसे खास डिसाइपल बनी। पहला है मेडिटेशन। नॉर्मल आचार्य हमें बताते हैं कि आलथी पालथी मार के बैठिए और ध्यान एक जगह केंद्रित करिए, लेकिन रजनीश के आश्रम में ये बिल्कुल अलग था, जहाँ म्यूजिक पर डांस करके जोर जोर से चिल्ला के खुद को मेडिटेट किया जाता था। बहुत ही अतरंगी तरीका था, इसे हम डायनामिक मेडिटेशन कहते हैं। उनका कहना था, इससे अंदर की सारी आवाज बाहर आ जाती है और इनर पीस मिलता है। दूसरा,
सेक्स। इसको लेकर भी दोनों के बहुत ही अलग विचार थे। जहाँ साधारण आचार्य ब्रह्मचार्य धारण करने को कहते थे, वहीं रजनीश फ्री लव की बातें करते थे और उनके आश्रमों में ये प्रैक्टिस भी किया जाता था। आप किसी से भी संबंध बना सकते थे, यहाँ तक कि खुद गुरुदेव यानी खुद रजनीश के मल्टीपल पार्टनर्स थे। और कुछ रिपोर्ट्स की माने तो वहाँ छोटी उम्र की बच्चियों के साथ भी फिजिकल मोलेस्टेशन होता था। तीसरा, रिलीजन। जहाँ और गुरु अपने धर्म का प्रचार, अपनी संस्कृति में विश्वास करते हैं, उनकी टीचिंग्स देते हैं, वहीं रजनीश किसी भी भगवान को नहीं मानते थे, ना ही किसी धर्म को। अब इस चीज के लिए भी सोसाइटी दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी, एक जो रजनीश को सही मानते थे और दूसरे जो समाज का संहार करने वाला। ओशो का लव पर बोलना किसी को भी पसंद नहीं था। लोगों ने उन्हें बेइज्जत करने के लिए उनका नाम सेक्स गुरु रख दिया, लेकिन लोगों को उनकी टीचिंग्स दिखाई ही नहीं देती थी। 4, मैरिज एंड डेथ। हमारे हिंदू धर्म में विवाह को बहुत सांस्कृतिक तरीके से दिखाया गया है और साधु हमें मृत्यु और उनकी अंतिम क्रियाओं के भी रिचुअल समझाते हैं। रजनीश की टीचिंग्स में विवाह मतलब एक अनवांटेड प्रैक्टिस थी और किसी के मर जाने को तो वो नाच गाने के साथ सेलिब्रेट करते थे। रजनीश एक मॉडर्न गुरु की तरह जाने जाते थे और वो पुरानी प्रथाओं में बिलीव नहीं करते थे। उन्होंने कई पुरानी प्रथाओं पर बहुत ही कड़े शब्दों का प्रयोग किया था। हिंदू वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सती प्रथा पर बहुत ही कड़े शब्द कहे थे, जो कि बहुत सही भी हैं। रजनीश के थॉट से लोग बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगे थे और उनके आश्रम की प्रैक्टिसेस गवर्नमेंट को पसंद ही नहीं आ रही थी। उस टाइम की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने उनके ऊपर कड़े कदम उठाने का सोचा। उनके ऊपर कई आरोप लगे, जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन, गोल्ड स्मगलिंग, टैक्स इन्वेशन एटसेट्रा, और उन्हें भागना पड़ा। रजनीश सारी जिम्मेदारी माँ आनंद शिला को सौंप कर 3.5 साल के लिए मौन व्रत धारण कर लिए। शिला ने $5.5 million देकर वेस्को काउंटी ओरेगॉन में एक एग्रीकल्चरल लैंड खरीदा और उसे सिटी बनाने का सोचा। पहले इसका नाम रेंचो रजनीश पड़ा और बनने के बाद रजनीशपुरम। पर रजनीशपुरम में भी सब सेम प्रैक्टिस चलने लगा, जिसकी वजह से वहां के लोकल्स ऑफेंड हो रहे थे और कई बार डिसाइपल्स में झड़प भी हुई। लोकल्स को एनकाउंटर करने के लिए शीला ने पॉलिटिक्स में घुसने का सोचा, लेकिन दिक्कत ये थी कि वोटर्स कम थे और वोट्स ब्रीच करने थे, तो इनके डिसाइपल्स अमेरिका के सड़कों से होमलेस लोगों को उठा लाए और वोटर रजिस्ट्रेशन कराने का सोचा। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो लोग बिल्कुल मेंटली अनस्टेबल थे, जिसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने हॉलडॉल नाम का ड्रग भी दिया था, लेकिन ये प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। लेकिन शीला के पास प्लान बी रेडी था, वोटर से डिक्रीज कर देना। इसके लिए वहाँ के 10 रेस्टोरेंट के खानों में सेल्मोनेला एंटार्क्टिका इंजेक्ट करवा दिया, जिसकी वजह से 700 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। एक साल वहाँ की गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पाया कि ये लोग वाटर के थ्रू सेल्मोनेला टाइफी इंजेक्ट करने वाले थे, जो कि टाइफाइड कॉज करता है। वहाँ की गवर्नमेंट ने चार्ल्स टर्नर को इनके इलीगल एक्टिविटीज का पर्दाफाश करने के लिए अपॉइंट किया, तो माँ शीला ने उनको मरवाने के लिए प्लान बनाया, बट वो फेल हो गया और एट द एंड शीला को अमेरिका छोड़ना पड़ा। सितंबर 1985 में रजनीश ने अपना मौन व्रत तोड़ा और सब चीजों की जिम्मेदार माँ आनंद शीला को ही ठहरा दिया। सर्च ऑपरेशन में रजनीशपुरम में हथियारों से भरे ट्रक्स मिले, इसके साथ साथ लैब्स मिली जिसमें बायोकेमिकल वेपन्स बनाए जा रहे थे। शीला को जर्मनी से अरेस्ट कर लिया गया और 29 महीने उन्होंने जेल में बिताए और स्विट्जरलैंड जाकर बस गई। रजनीश को जर्मन, इटली और जैसे 13 देशों में बैन कर दिया गया। 17 नवंबर 1986 को वो वापस पुणे आए और उनके पुराने तो ने उन्हें एक्सेप्ट भी कर लिया। 19 जनवरी 1990 को उनकी मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो गई। किसी का कहना है कि उनको मार दिया गया, किसी का कहना है कि उनके भक्तों ने ही लालच में आकर उन्हें जहर दे दिया। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? रजनीश AKA ओशो ने बहुत ही बड़ी संख्या में अपने डिसाइपल्स बनाए और अभी भी उनके कही हुई बातों को मानते हैं। ओशो इंटरनेशनल अभी भी पुणे में चल रहा है। उनके प्रवचनों को किताबों में तब्दील करके लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। अभी भी सोसाइटी दो में बटी हुई है, एक जो ओशो को सही मानते हैं, दूसरे सिर्फ जो सेक्स गुरु के रूप में देखते हैं। लेकिन आपकी राय जानने के लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। छोटू, देखना जरा कौन कौन ओशो के कॉर्ड्स लिख के जा रहा है। गुलाबी दिल भी तो देना है।